इंडस्ट्री में मस्त मस्त गर्ल के नाम से जानी जाती हैं रवीना टंडन। लेकिन क्या आपको मालूम है, इस रवीना टंडन नाम की एक्ट्रेस ने शादी से पहले ही जब बच्चों को एडॉप्ट कर लिया था, कितनी जिल्लत उन्हें सहनी पड़ी थी। आज हम आपको 90 के दशक की सबसे मशहूर हीरोइन रवीना टंडन की ज़िंदगी के इस गहरे राज से रूबरू कराएंगे। आज 40 साल की हो गई है रवीना टंडन। 40 साल के 26 अक्टूबर को साल 1974 में मुंबई में ही उनका जन्म हुआ था। रवीना अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी चर्चा में हमेशा रही हैं। रील से लेकर रियल लाइफ में ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बारे में आप सुने होंगे कि उन्हें सुपर हीरो कहा जाता है। रवीना भी उन्हीं में से एक एक्ट्रेस है जिन्हें सुपर हीरो कहा गया। लेकिन इससे पहले वो कैसे सुपर हीरो की तरह स्ट्रगल कर रही थी, आपको शायद ये बात मालूम ना हो। जी हाँ, 21 साल की थी रवीना टंडन जब वो पहली बार माँ बनने वाली थी। जी हाँ, माँ बनी जब रवीना तो सिर्फ 21 साल की थी वो। हर कोई अपने करियर पर ऐसे समय में फोकस करता है और रवीना ने इतना बड़ा फैसला ले लिया था। साल 1991 में जिस रवीना टंडन को आपने देखा होगा पत्थर की फूल फिल्म से डेब्यू करते हुए सलमान खान के साथ, उस फिल्म की हीरोइन रवीना टंडन रही ज़रूर, लेकिन रियल लाइफ में उस रवीना टंडन को आपने शायद ही सुना हो कि वो माँ बनने का फैसला दिल से लेकर काफ़ी दर्द झेल चुकी हैं। जी हाँ, फिल्म तो हिट हुई, रवीना सुपर हिट हुई, ये सब जानते हैं। सुपर हिट हीरोइन थी रवीना टंडन उस ज़माने की। साल 1994 में मोहरा, दिलवाले, लाडला जैसे फिल्में करने वाली। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रवीना के बारे में, और इसलिए हम बात कर रहे हैं आप सभी के बीच रवीना टंडन की, क्योंकि स्टारडम इतनी आसानी से नहीं मिलता, ये सच है बिल्कुल दर्शकों। और स्टारडम को पाने के लिए रवीना ने काफ़ी मेहनत की। रवीना ने माँ बनने का फैसला साल 1995 में तब लिया जब उनकी करियर पीक पर थी। सुपरहिट हीरोइन रवीना टंडन सिर्फ 21 साल की थी। पूजा और छाया नाम की दो बच्चियों को रवीना टंडन ने जब गोद लिया था, लोगों ने सोचा नहीं था कि रवीना टंडन दो बच्चों की माँ बनेंगी। साल 1995 में रवीना ने दोनों बच्चियों को आधिकारिक रूप से गोद लिया। 11 साल की एक बेटी और दूसरी 8 साल की रवीना के कज़न की बेटियां ये हैं। आपको बता दें, निधन होने के बाद उन्हें गोद लिया था रवीना टंडन ने। दरअसल रवीना के कज़न का जब निधन हो गया था, रवीना ने अपने कज़न के निधन पर दोनों ही बेटियों को गोद ले लिया था। साल 2004 तक रवीना ने सिंगल मदर के रूप में दोनों बेटियों की परवरिश की थी। जी हाँ, घर परिवार के निधन के बाद, माँ बाप के निधन के बाद 21 की उम्र में रवीना टंडन माँ बनी, क्योंकि उन्होंने बच्चों को गोद ले लिया। और इसके बाद दो बच्चों की माँ बनने वाली रवीना टंडन को जब देखा गया परवरिश में अपना कदम बढ़ाते हुए, तब बिजनेसमैन और डिस्ट्रीब्यूटर अनिल खेडानी से साल 2004 में उन्होंने शादी की। प्यार में पढ़कर ये शादी की, तब उनकी बेटी राशा का साल 2005 में जन्म हुआ। उसके बाद उनके बेटे रणबीर वर्धन का जन्म राशा के जन्म के 3 साल बाद यानी कि साल 2008 में हुआ। इसके बाद रवीना नानी भी बनी। 3 बेटियां और 1 बेटे को मिलाकर रवीना 4 बच्चों की माँ बनी, और इसके बाद बड़ी बेटी की बच्चे की नानी भी बनी रवीना टंडन। इस छोटी उम्र में रवीना ने इतना बड़ा परिवार संभाला। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, रवीना टंडन ने 2 बच्चों को संभाला, और दोनों ही बच्चे बहुत
खुश रहते हैं उनके साथ। और फिर आपको बता दें, रवीना की दोनों ही बेटियां जो उन्हें खूब ज़्यादा प्यार किया करती थी, रवीना जब अपनी करियर में हिट फिल्में दे रही थी, तब इन दो बच्चियों को, कज़न के बच्चियों को अपनी बच्चियों की तरह रवीना ट्रीट किया करती थी। जी हाँ, पूजा छाया को गोद लेने का फैसला जब रवीना ने किया, तब 40 साल की आज उम्र में नानी बनने वाली रवीना टंडन पूजा के बेटे के जन्म के बाद बहुत खुश इसलिए है क्योंकि बेटी छाया तो एयर हॉस्टेस है और पूजा एक इवेंट मैनेजर है। मोहरा रिलीज नहीं हुई थी तभी ही रवीना टंडन ने यह मत बनाया था। अक्सर वीकेंड पर आशा सदन जाती थी उनकी माँ सदानंद। ये बताया जाता है कि आशा सदन एक अनाथालय है। जब उनके कजिन की निधन हुआ तो उनको पाया कि बच्चियों के गार्जियन उनका ठीक से ख्याल नहीं रख रहे थे। वो दोनों को अपने साथ घर ले आई। उन्होंने तब ज़्यादा नहीं सोचा, ये नेचुरल था। पूजा छाया वो ज़िंदगी देना चाहते थी, उनका हक है। करोड़पति नहीं थी उस वक्त रवीना टंडन इतना, लेकिन उन्हें पता था कि इन बच्चियों को भविष्य वो ज़रूर बेहतर दे सकती हैं। और जो भी उन्होंने मेहनत की कमाई अपने बच्चों के लिए, उन्होंने अपने मेहनत के पैसे लगा दिए। उनका ये दिल से श्रद्धा से माँ बनकर उन्हें पालना, यही तो रवीना टंडन की खासियत थी जो बाकी अभिनेत्रियों से उन्हें अलग साबित करता है, जिसके कारण आज रवीना टंडन बाकी अभिनेत्रियों से काफ़ी अलग कहलाती है। उनकी यही पहचान उन्हें बाकी सेलिब्रिटीज से अलग रखती है। वैसे आपको बता दें कि इंटरव्यू में खुद रवीना ने बताया था, बहुत से लोगों ने उनके खिलाफ नेगेटिव बातें की, ना जाने तब क्या होगा, लोग कहते थे उनकी शादी होगी भी या नहीं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, एक्ट्रेस ने किसी की नहीं सुनी ये भी कहा जाता है कि पति अनिल चढ़ानी और ससुराल वालों ने पूजा छाया को बहुत प्यार दिया, जितना वो प्यार उनसे करती थी, बोझ की तरह उनकी बेटियों को कभी नहीं समझा, लेकिन लोग उन्हें कहते थे शादी नहीं होगी, खूब जलील कहते हैं किया करते थे। रवीना फिर भी दिल से यही दुआ करती थी कि उनके बच्चों को हमेशा प्यार मिले। प्राशा, रणवीर वर्धन, पूजा और छाया को बहुत प्यार देने वाली रवीना टंडन, इतनी जिल्लत सहने के बावजूद रवीना टंडन ने अपने परिवार के बीच भरोसा बनाकर ही बच्चों को हमेशा अच्छी परवरिश दी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।